फिर से स्वागत है आपका टू डू लिस्ट एप्लीकेशन के पार्ट 3 ट्यूटोरियल के अंदर। तो इस वाले ट्यूटोरियल में हम डेटा को कैसे गेट करते हैं SQLite डेटाबेस से, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो हम हैं यहाँ पे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे अभी तक हमने क्रिएट डेटा कैसे करते हैं हम SQLite डेटाबेस के अंदर, यानी कि डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा कैसे सेव करते हैं, इसका तरीका जान लिया है। और अभी तक हमने UI डिजाइन का काम भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे डेटा को कैसे गेट करते हैं इसका तरीका जानने वाले हैं। देखिए, एक्टिविटी मेन के अंदर हमने यहाँ पे दो चीज़ों को लिया था, एक तो रीड डेटा और एक शो डायलॉग। अच्छा, रीड डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे इसको क्या किया हुआ है, लिस्ट आइटम करके होता है, मैं आपको अगेन करके दिखा देता हूँ। आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, आपको आना है यहाँ पे लिस्ट आइटम सर्च करना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है आइटम रीड, और इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखें यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये कि पूरी स्क्रीन पे एक ही आइटम हमें यहाँ पे शो रहा है, एक ही यानी कि डेटा। तो इसके लिए आपको आना है आइटम रेड के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद जो ये लीनियर लेआउट है, आपको इसकी हाइट को रेप कंटेंट कर देना है। जैसे ही आप इसकी हाइट को रेप कंटेंट करके दोबारा से एक्टिविटी मेन के अंदर आओगे, ये रिफ्रेश होगा, और यहाँ पे देखिए एक के बाद एक आइटम आना शुरू हो गया है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है, यानी कि एक के बाद दूसरा जो आइटम है वो थोड़ा सा अलग चाहिए। तो इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे कर सकते हैं आइटम रीड के अंदर लीनियर लेआउट का जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है, हम इस पे क्लिक करेंगे और ये वाला कलर देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कलर है येलो कलर का, ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब हम अगेन एक्टिविटी मेन के अंदर आकर देखते हैं कि ये अलग अलग हमें यहाँ पे दिखे या नहीं। तो अब आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं, जो डेटा है, वो अलग अलग हमें यहाँ पे शोने लग गए हैं। इसका मतलब ये तो हमारा यहाँ पे आइटम रीड ठीक से यानी ठीक हो गया है बिल्कुल। अब देखिए, रिसाइकलर व्यू है, तो रिसाइकलर व्यू के लिए हमें यहाँ पे एक अडेप्टर क्लास और एक मॉडल क्लास बनानी होगी। तो जल्दी से वो हम दोनों बना लेते हैं। प्रोजेक्ट पे हम आते हैं और पैकेज नेम पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और कोटलिन क्लास से फाइल, क्योंकि हम ये कोड कोटलिन में कर रहे हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हम क्लास भी बना सकते हैं, फाइल भी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। मैं आपको एक फाइल बनाकर दिखाता हूँ, रेक क्लास। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा आइटम मॉडल क्या, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए एक फाइल है, इसके अंदर में हम कोड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डेटा क्लास, काफी सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा कुछ कोडिंग हमें नहीं करनी है। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वेल आईडी, और इसका मैं टाइप यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लॉन्ग कोमा। इसी तरीके से वेल टाइटल, और इसका टाइप यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग। इसी तरीके से वेल डिस्क्रिप्शन, और इसका टाइप हम इसी तरीके से यहाँ पे डिफाइन करवा देते हैं स्ट्रिंग। ओके, तो ये तो था यहाँ पे आइटम मॉडल का काम। मॉडल क्लास हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसमें अब हमारा कोई काम बाकी नहीं रहा। अब इसके बाद हम अगेन पैकेज नेम पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और कोटलिन क्लास या फाइल। इस बार मैं आपको एक क्लास बनाकर दिखाता हूँ, और ये अब हम अडेप्टर क्लास बनाने वाले हैं। मैं इसका नाम यहाँ पे दूंगा आइटम अडेप्टर, और एंटर। तो यहाँ पे देखिए ये क्लास क्रिएट होकर के हमारे सामने आ गई है। अब ये जो आइटम अडेप्टर है, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, प्राइवेट, वेल, और आइटम लिस्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो आइटम लिस्ट, और इसके बाद ये इसका जो टाइप होगा वो होगा अरे लिस्ट, और यहाँ पे ये वाला साइन यूज करते हुए इसके अंदर हम पास करेंगे आइटम मॉडल। तो आइटम मॉडल ये जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसी का रेफरेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे और कॉलन लगाते हुए टाइप करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, और इसके अंदर ये जो अडेप्टर है यानी कि आइटम अडेप्टर, यही हम पास करने वाले हैं आइटम अडेप्टर डॉट आइटम व्यू होल्डर, या फिर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आइटम VH। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आइटम अडेप्टर पे क्लिक करेंगे, और इस बल्ब पे क्लिक करेंगे, और इंप्लीमेंट मेंबर्स पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड्स ओवरराइड हो जाएंगे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और गेट आइटम काउंट। अब गेट आइटम काउंट के अंदर तो हमें सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आइटम लिस्ट डॉट साइज, और यहाँ पर आ रहा है यानी हमें इसको रिटर्न करवाना था, देखिए एरर चला गया है। गेट आइटम काउंट का तो हमारा काम खत्म। इसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर भी हम रिटर्न करवाएंगे आइटम VH को, ये जो आइटम VH है ना, इसी को। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे आइटम VH के नाम से। आप चाहो तो अल्ट एंटर करके बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना देता हूँ एक इनर क्लास, इनर क्लास, और मैं इसका नाम यहाँ पे रखूंगा आइटम VH। इसके अंदर मैं एक व्यू लूंगा आइटम व्यू के नाम से, आइटम व्यू, और इसका टाइप होगा व्यू। ओके,
अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाते हुए रिसाइकलर व्यू टाइप करेंगे डॉट व्यू होल्डर, अडेप्टर नहीं, रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर ऊपर था, यहाँ पे है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और इसके अंदर हम पास करवा देंगे आइटम व्यू जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे इस, यानी इसकी बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे जो ये हमारी आईडीज हैं आइटम रीड के अंदर, टेक्स्ट व्यू यानी कि रीड टाइटल और रीड डिस्क्रिप्शन, इन दोनों को हम यहाँ पे गेट करने वाले हैं, यानी कि इनकी आईडीज को फाइंड करने वाले हैं। तो प्राइवेट वेल रीड टाइटल और इसका टाइप था टेक्स्ट व्यू, तो वो पास यहाँ पे देते हैं इज इक्वल टू आइटम व्यू। देखिए ये जो व्यू है ना आइटम व्यू, इसके जरिए हम आईडीज यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। कोड का साइज मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट रीड टाइटल, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूं और यहां पे रीड टाइटल की जगह हो जाएगा रीड डिस्क, और मैं यहां पे भी रीड डिस्क इस तरीके से टाइप करवा देता हूं। इसके बाद देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, हम आएंगे यहां पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर और आइटम वीएच और इसके अंदर यूज करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर को, तो ये रहा लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, इसके अंदर हम पास कर देंगे कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट कैसे देंगे पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट, इसके बाद आगे आएंगे डॉट इन्फ्लेट करवाएंगे आर डॉट लेआउट डॉट आइटम रीड को, इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे कोमा लगा करके पेरेंट, फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे फॉल्स। तो ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम भी हमारा यहाँ पे हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा ऊपर एक एरर भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे अल्ट एंटर प्रेस करेंगे और चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से एरर चला जाएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं, अब देखिए हमने इनको यहाँ पे प्लस रखा है, यानी कि प्राइवेट हमने इनको यहाँ पे किया है, तो इसलिए इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन बाइंड नाम से मैं बनाता हूं और इसके अंदर आइटम मॉडल को मैं यहाँ पे लेता हूँ आइटम मॉडल, और इसका जो टाइप है वो आइटम मॉडल इस, और अब यहाँ पे हम इसकी बॉडी को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम ये जो रीड टाइटल है इसकी टेक्स्ट देंगे रीड टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब ये जो आइटम मॉडल है इसके अंदर जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पे देंगे आइटम मॉडल डॉट टाइटल, इसी को डुप्लीकेट करेंगे और रीड डिस्क्रिप्शन वाला इसकी जो टेक्स्ट है आइटम मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से इनको हम टेक्स्ट दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से प्राइवेट हटाइए और होल्डर के साथ यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर इनकी टेक्स्ट को सेट करवा दीजिए। तो अब हम यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे वेल और इसका नाम देते हैं हम लाइक आइटम आइटम पोजिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आइटम लिस्ट और इसके अंदर टाइप कर देंगे पोजिशन। अब इसके बाद आएंगे होल्डर डॉट बाइंड, ये जो हमने बाइंड के नाम से फंक्शन बनाया था इसको डायरेक्टली कॉल करवा लेंगे और इसके अंदर ये आइटम पोजीशन जो है ये हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो देखिए आइटम अडेप्टर जो था हमारा वो भी बिल्कुल यहाँ पे अब रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, मेन एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है इसी को मैं दो बार डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे एक तो मुझे चाहिए आइटम अडेप्टर के लिए, अब ये जो बाद वाला है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसके अलावा एक चाहिए मुझे यहाँ पे आइटम लिस्ट और इसका जो टाइप होगा वो होगा अरे लिस्ट, अरे लिस्ट, और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं आइटम मॉडल को। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, ये हमें यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसके नीचे आने के बाद आइटम लिस्ट इज इक्वल टू सॉरी अरे लिस्ट डायरेक्टली, क्योंकि वो हम जावा में करते थे न्यू अरे लिस्ट। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आइटम अडेप्टर इज इक्वल टू आइटम अडेप्टर और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे आइटम लिस्ट को। अब ये आइटम लिस्ट ही हमने यहाँ पे क्यों पास किया, क्योंकि आइटम अडेप्टर के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे देखिए आपने आइटम अडेप्टर, इसके बाद जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर आपने आइटम लिस्ट को दिया हुआ है, आप यहाँ पे जो भी चीज़ें पास करते हो तो वो सारे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर इसके अंदर देनी होती है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे टाइप करेंगे ये जो रीड डेटा, ये रिसाइकलर व्यू है, मैं आपको कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रिसाइकलर व्यू पे हम आ गए हैं, तो इस पर हम अडेप्टर को सेट करवा देंगे। हम यहाँ पे आएंगे नीचे और टाइप करेंगे रीड डेटा डॉट अडेप्टर इज इक्वल टू आइटम अडेप्टर। अब इसके बाद आएंगे हम नीचे और टाइप करेंगे रीड डेटा डॉट लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर और इसके अंदर हम कंटेक्स्ट पास कर देंगे यानी कि दिस। अब ये काम भी हो गया। अब इसके बाद हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम आता है, जो आज की इस वीडियो का असल काम था, वो है कि हम डेटा को कैसे गेट करेंगे
SQLite डेटाबेस से। तो ये हम कर्सर के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं WhaleDB, या फिर हम एक काम करते हैं एक फंक्शन बनाते हैं इसके लिए लोड डेटा करके, और अल्ट एंटर करेंगे क्रिएट फंक्शन लोड डेटा। ये देखिए यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, WhaleDB इज इक्वल टू डेटाबेस हेल्पर डॉट रीडेबल डेटाबेस, क्योंकि अब हम डेटा को रीड कर रहे हैं। पार्ट टू के अंदर हमने डेटा को इंसर्ट किया था यानी कि राइट किया था, तो इसलिए हमने WhaleDB इज इक्वल टू डेटाबेस हेल्पर डॉट राइटेबल डेटाबेस यहाँ पे लिखा था, लेकिन अब हम रीड कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रीडेबल डेटाबेस। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर्सर को यूज करने वाले हैं, तो इसलिए टाइप करेंगे वेल कर्सर, इसका टाइप डिफाइन करेंगे कर्सर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ताकि कोई वैल्यू जो नल हो यानी कि नल सेफ्टी का हमारा काम हो जाए। इज इक्वल टू ये जो db लिया इसका रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे हम क्वेरी को यूज करेंगे, db डॉट क्वेरी, यानी हम क्वेरी चलाएंगे यहाँ पे और टेबल नेम सबसे पहले देंगे, फिर उसके बाद कोमा लगा करके अरे ऑफ जो जो चीज़ें हमारे पास है वो सब देंगे। यानी कि आप यहाँ पे आइए, जो हमने बनाया था कंपेनियन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने आईडी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया था, ये तीनों चीज़ें अब हमें इस अरे ऑफ के अंदर पास करनी है। पहली कॉलम आईडी, इसके बाद कॉलम टाइटल, और इसके बाद कॉलम डिस्क्रिप्शन, ये हमने तीनों को पास कर दिया है। अब इसके बाद कोमा लगाएंगे और जो बाकी चीज़ें होंगी उनकी ज़रूरत नहीं है, तो नल नल पास कर देंगे, नल नल, और यहाँ पे चार पांच बार हमें नल पास करना होगा, और फिर से नल, और ये तीन बार आ गया यहाँ पे नल। ओके, तो पांच बार हमें यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हैं सबके लिए नल ही पास कर देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे नीचे और टाइप करेंगे कर्सर डॉट लेट, या फिर मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यानी इस सारे डॉट से पहले यहाँ, ताकि यहाँ भी नल सेफ्टी की दिक्कत हल हो जाए। तो अब इसके अंदर हम चलाएंगे वाइल लूप, और इसके अंदर हम पास करेंगे कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, और इसकी बॉडी को स्टार्ट करते हुए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे देखिए अब आईडी टाइटल और डिस्क्रिप्शन इन तीनों को लेकर आएंगे अब डेटाबेस से, तो टाइप करेंगे वेल आईडी इज इक्वल टू कर्सर डॉट गेट लॉन्ग, यानी कि जो भी टाइप होगा, तो आईडी का टाइप जो है वो लॉन्ग है, आप यहाँ पे आइटम मॉडल के अंदर देख सकते हो ये रहा लॉन्ग। टाइटल और डिस्क्रिप्शन का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ इनके लिए हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। इसके बाद इसके अंदर कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स और कॉलम आईडी यहाँ पे हम दे देंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे दो बार और इस वाले आईडी की जगह हम पास करेंगे टाइटल टाइटल। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला है इसकी जगह डिस्क हम टाइप करवा देंगे, गेट लॉन्ग नहीं गेट स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास करेंगे, गेट गेट स्ट्रिंग, और इसी तरीके से इसके अंदर कॉलम टाइटल आ जाएगा, और फिर यहाँ पे नीचे भी कॉलम डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। एरर आ रहा है तो हम अल्ट एंटर प्रेस करेंगे और सुप्रेस रेंज विद अन अनोटेशन इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा एरर चला जाएगा, या फिर आप मैनुअली इस वाइल लाइन को यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद हम आएंगे नीचे और आइटम लिस्ट के अंदर ऐड करवा देंगे इन सभी को, यानी कि आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये कैसे करवाएंगे आइटम मॉडल के थ्रू। तो आइटम मॉडल टाइप करेंगे आईडी कोमा टाइटल कोमा और डिस्क यानी कि डिस्क्रिप्शन, इन तीनों को हमने यहाँ पे पास कर दिया है। इसके बाद आ जाएंगे हम वाइल लूप के बाहर और जो हमारा कर्सर है उसको करवा देंगे हम क्लोज। इसके बाद आ जाएंगे इस कर्सर डॉट लेट के भी बाहर और यहाँ पे हमारा जो डीबी है उसको भी करवा देंगे हम क्लोज। इसके बाद जो हमारा अडेप्टर है आइटम अडेप्टर डॉट नोटिफाइड डेटा सेट चेंज, ये हम यहाँ पे करवा देंगे। तो बस ये सिंपल सा हमारा लोड डेटा का कोड था जिसके थ्रू हम डेटा को यहाँ पे गेट कर सकते हैं SQLite डेटाबेस से। तो चलिए अब हम आउटपुट देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, और अगर कोई एरर आएगा तो हम उसको रिजोल्व कर लेंगे। ओके, एप्लीकेशन अब यहाँ पे रन हो चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे गेट हो चुका है। ये कुछ चीज़ें अलग से ही मैंने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर की थी। तो चलिए ये अभी स्कोर लेवल नहीं है, यानी कि स्कोर लेवल तो है लेकिन डेटा इतना ज़्यादा नहीं है। हम एक तो वैल्यूज़ को और यहाँ पे इंसर्ट करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, और मैं इसमें लिखता हूँ सेकंड, और सेकंड और क्रिएट डेटा, ये मैंने कर दिया। अब मैं एक और को इसी तरीके से कुछ करता हूँ और मैं ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ और क्रिएट डेटा। अब मैं अगेन एप्लीकेशन को रन करता हूँ। मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए इजी है। आप एप्लीकेशन को क्लोज करके अगेन ओपन करके जब चेक करोगे तो भी आपको ये डेटा यहाँ पे रिफ्रेश होकर के दिख जाएगा। ये देखिए नीचे फर्स्ट और जो अभी हमने डेटा को इंसर्ट किया है वो यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा
अगर आप यहाँ पे जैसे ही क्रिएट डेटा हो तो मेन एक्टिविटी दोबारा से ओपन हो जाए, ये भी आप यहाँ पे करवा सकते हो, फिर भी आपको आपका रिफ्रेश हुआ डेटा दिख जाएगा। बाकी आप यहाँ पे रिफ्रेश लेआउट वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, वो सब भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने देखा कि SQLite डेटाबेस से हम डेटा को कैसे गेट कर सकते हैं रिसाइक्लर व्यू के अंदर। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं कि हम डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद या उसी ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि डेटा को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।